कितने लोग प्रॉस्पेरिटी को पसंद करते हैं? हाँ के ना, अरे कोई हाथ नहीं उठ रहा, कुछ नहीं। प्रॉस्पेरिटी समझते हैं आप? आशीष, कितनों को आशीष अच्छी लगती है? और कितने लोग चाहते हैं कि जिंदगी भर तमाम उम्र ये आशीष बनी रहे? आमीन, हालेलुया। आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपके जीवन में हमेशा आशीष बनी रह सकती है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब वचन के अनुसार हम चलेंगे तो उसकी आशीष रहेगी। ये तो वक्त है, लेकिन आज हम वचन पे जाएंगे। उत्पत्ति 41 का 47 एंड 48, जेनेसिस 41 47 48। ध्यान से इस वचन को समझिए। यूसुफ के बारे में है, जब यूसुफ को परमेश्वर ने चुना और मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, और जब फिरौन ने वो दर्शन देखा, वो स्वप्न देखा, जिसमें उसने देखा कि 7 साल तो अच्छे हैं और 7 साल में अकाल पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और किस तरीके से यूसुफ ने उन 7 सालों को कैसी शुरुआत की और कैसे उस चीज को संभाला। पढ़िए बेटा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्य उपजाती रही। आमीन। और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगर में रखता गया, और हर एक नगर में चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। हालेलुया। दर्शन 3 तरीके के होते हैं। हालेलुया। हम मसीह हैं। देखिए, आप अपनी मसीहत तब पूरी कर सकते हैं जब आप दर्शन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। एक मसीह होने के बाद, एक मसीह होने के लिए आपके पास दर्शन जरूरी है कि आपको क्या करना है, और वो दर्शन आपको कहाँ लेके जाता है। इसलिए दर्शन 3 तरीके के होते हैं। आज का दर्शन, छोटा दर्शन और पूरा दर्शन। हालेलुया। एक मसीह अनुशासन के साथ जब चलता है और जब वो दर्शनों के अनुसार अपने जीवन को गुजारता है, तो बहुत जरूरी है कि हम आज के दर्शन को लेके चलें। आज हमारा दर्शन क्या है? कई बार हम बहक जाते हैं। उस लंबे दर्शन को हम पाने के लिए कहीं कहीं हम भटक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे पास आज का दर्शन है, इस छोटा सा दर्शन है, उस पूरा दर्शन है, तो हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि आज का दर्शन हमें आशीष देगा। आज का दर्शन बताएगा कि हम कहां पर हैं। आज का दर्शन हमें बताएगा कि हमें किस तरीके से अनुशासन में चलना है। आज का दर्शन हमें बताएगा कि हमें किस तरीके से परमेश्वर की छोटी सी छोटी चीज को पाने के लिए अग्रसर रहना है। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया। इब्राहिम और फिरौन के द्वारा उसे पता चला कि साहब, सुकाल और अकाल, ये 2 चीजें हैं, किस तरीके से आने वाला कल, जो 7 साल सुकाल के हैं और 7 साल के बाद अकाल आने वाला है। यहां देखने वाली बात यह है मेरे भाई मेरी बहन, कि सुकाल में उसने अकाल की तैयारी की। आपकी प्रॉस्पेरिटी कब आपके साथ हमेशा रहेगी? जब आप प्रॉस्पेरिटी में भी परीक्षाओं में चलने की योजना बनाएंगे। परीक्षाओं से भागेंगे नहीं। जब आप प्रॉस्पेरिटी में, आशीषित जीवन में, उस सुख में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें आप परीक्षाएं जब आएंगी, तो उसको कैसे तरीके से डील करना है, अगर आप उसकी योजना बनाएंगे, तो आपके जीवन से कभी भी आशीषें जाएंगी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है याकूब 1:12 कि धन्य है वो जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। हालेलुया। धन्य है वो जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। पढ़िए बेटा, याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। कब निकलेंगे खरे आप? जब आप अपनी पूर्ण तैयारी के साथ रहेंगे। अंतिम समय है, यीशु मसीह आने वाला है, हम सब जानते हैं, और अंतिम समय में सताप भी आएंगे, जैसे कि हमारे कई
हम तो देखे यूपी से खबर आती है, एमपी से खबर आती है, छत्तीसगढ़ से खबर आती है, कई जगह बॉम्बे में भी कई जगह हुआ है कि सतावारा है और कलीसिया को सताया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल हमें क्या बताती है, इन सताव के वर्षों को हमें ईमानदारी से लेना है, भागना नहीं है। मती 24 में अगर आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें बताई गई कि सताव में आखिरी दिनों में क्या होगा। हालेलुया, वो सताव हमारे जीवन में बल लेकर आना चाहिए, ना कि निर्बलता, ना कि हम भाग जाएं। हमें भागना नहीं है सताव में, हालेलुया, हमें सताव में रहना है, डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि प्रभु है हमारे साथ। सताव तो आएगा, अगर उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया तो हमें भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपका पड़ोसी आपको स्वीकार नहीं करता है, आपके रिश्तेदार आपको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर गलत स्पिरिट है। आपके अंदर जो आत्मा है वो उनके अंदर नहीं है, इसलिए आपके आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी लोग आपको पसंद नहीं करते। यहां आप काम करते हैं, लोग आपसे पसंद नहीं करते, क्यों? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके अंदर गलत स्पिरिट है। वो गलत स्पिरिट है जो आपको पसंद नहीं करती है। हालेलुया, तो सताव तो आएगा, लेकिन सकाल के दिनों में यूसुफ ने सबसे पहला काम किया कि जैसे ही सकाल के दिन शुरू हुए उसने छोटी छोटी कोठरियां बनानी शुरू की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी कोठरियां बनाकर उसने अनाज को रखना शुरू किया। बाइबल कहती है 48 में लिखा हुआ है कि उसने अनाज को खाना शुरू नहीं किया कि सुकाल आ गया है, आशीषें आ गई हैं, खाओ पियो ऐश करो। बाइबल कहती है उसने पहले अकाल के लिए बंदोबस्त किया कि अकाल आने वाला है। जिस दिन हम सुकाल में अकाल के लिए बंदोबस्त करेंगे, मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन से सुकाल नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता है। इसलिए लिखा हुआ कि धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, क्योंकि वो खरा निकल कर वो जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है आपको नौकरी देने में, परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है आपका धंधा बड़ा करने में, परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि आपके अंदर यीशु का स्वभाव आए। कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि वो आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है, ये गलत प्रचार करते हैं। रोमियो 8:29 पढ़िए, यीशु क्या चाहता है। रोमियो 8:29, उसने क्यों आपको चुना, उसने क्यों आपको ठहराया, जोर से पढ़िए बेटा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। हेलो, वो चाहता है कि आप उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, इसलिए उसने अपनी आत्मा आपको दी है, ताकि आप उसकी आत्मा आपके अंदर उसके गुणों को प्रकट करे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। उसकी आत्मा आपके अंदर गुणों को प्रकट करे, उसकी आत्मा आपको बता यीशु को प्रकट करे। बाइबल कहती है यूहन्ना 14:16 कि उसकी आत्मा, सत्य की आत्मा आपके अंदर यीशु को प्रकट करने के लिए आ रही है। उसका मकसद है कि आपके अंदर यीशु को प्रकट करे। सत्य की आत्मा का मकसद यह नहीं कि आपका धंधा अच्छा हो, आपकी नौकरी आपको मिल जाए, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल जाए। परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी क्या है? यीशु को जानना। जितना आप यीशु को जानेंगे, जितना आप यीशु को समझेंगे, जितना यीशु का स्वभाव आपके अंदर आएगा, परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ बहेगा। आमीन। हेलो, हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। संपूर्ण सुसमाचार क्या है? पूरा सुसमाचार क्या है पता है आपको? यूहन्ना 8:11 निकालिए। यूहन्ना 8:11, हम लोगों से बोलते हैं यीशु मसीह आया और हमारे लिए मरा, यीशु ने हमारे पापों और शापों से हमें मुक्ति की, यह है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? कि यीशु ने हमारे पापों और शापों से हमें मुक्ति दी। देखिए 11 कहता है, 11वां क्या है, 8:11, उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं,
यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। Amen. ये है सुसमाचार। यीशु ने पापों से तुझे मुक्ति दी है, लेकिन फिर पाप मत करना। क्या हम ये बताते हैं? क्या हम ये जानते हैं? Praise the Lord. क्या हम ये समझते हैं? जिस दिन मेरे भाई मेरी बहन आप पाप से घृणा शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप परमेश्वर के स्वरूप में आ जाएंगे। जिस दिन आप पाप से घृणा करेंगे, पाप से घृणा परमेश्वर की संगति में आना। आप परमेश्वर की संगति में तब तक नहीं आ सकते जब तक आप पाप से घृणा नहीं करें। उसके लिए आपको कुछ भी खोना पड़े, आपकी नौकरी खोनी पड़े चलेगा, आपका धंधा खत्म हो रहा है चलेगा, मुझे पाप से पैसा नहीं कमाना है, मुझे पाप की रोटी नहीं चाहिए। Praise the Lord. मेरे भाई, मसीहत जो आपको मिली है ना, बहुत बड़ा आशीष, बहुत बड़ा आशीष। आप उसकी कदर करिए, उसकी कीमत को समझिए। Amen. इसलिए वो कहता है कि जिसने उसे ठहराया भी और बुलाया भी, क्यों? क्योंकि आप यीशु के स्वरूप में हो जाएं। वो चाहता है कि उसका स्वरूप आप में आए। इसलिए 8:28 का कहता है कि जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है। Amen. बढ़िया बेटा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। Amen. अब आप समझते हैं भलाई क्या है? नौकरी मिल जाए, ये भलाई है मेरे लिए। नौकरी मेरी चल जाए, मेरा धंधा अच्छा हो जाए, ये भलाई है। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मेरे लिए भलाई क्या है? कि मुझे मेरा नौकरी मेरी अच्छी हो जाए, मेरा धंधा अच्छा हो जाए, ये है मेरे लिए भलाई। गलत। उसकी भलाई क्या है आपके लिए? अच्छा, भलाई पर बाद में आते हैं। अनुग्रह क्या है? ग्रेस क्या है? कौन सा क्या है अनुग्रह? आपको पता है? 6:14 पढ़िए, रोमन 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Amen. तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हो। तो अनुग्रह का मतलब क्या हुआ? कि आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी। पहले जब यीशु मसीह में नहीं थे, आप पाप आता था और ठहर जाता था, आप पाप करते रहते थे, ना चाहते हुए भी करते रहते थे। हालेलुया। रोमियन 7:15-19 में देखेंगे जो पौलुस ने लिखा था कि मैं क्या करूं, मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर सकता हूं, जो नहीं चाहता हूं वो करता हूं। 7:15, रोमियो 7:15, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता। 19 पढ़िए, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। Amen. तो करने वाला कौन हुआ आपके अंदर? पाप। हेलो, पाप। पाप कैसे आता है? आज जितने भी युवा हैं, आप जब फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और कोई गलत पिक्चर आपके सामने आती है, आप देखते रहते हैं, फिर आपको याद आता है मैं मसीह हूं और निकाल देते हैं। आपको पता है वो जो पिक्चर आपने गलत देखी है, वो 8-15 साल के बाद भी आपको याद आएगी। पाप आपके अंदर जड़ पकड़ लेता है। इसलिए वो कहता है कि मैं सोचता तो हूं कि मैं अच्छा काम करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं पाप का दास हूं। लेकिन अनुग्रह क्या है? क्योंकि हम वाचा में हैं, अनुग्रह क्या है? कि कोई भी पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। यह है अनुग्रह। पाप आएगा तो सही मसीह के जीवन में,
आप पाप से गुजरेंगे, आप पाप को सुनेंगे भी, आप पाप को देखेंगे भी, लेकिन पाप आप पर प्रभुता नहीं करेगा। यह है अनुग्रह प्रभु का, यह है अनुग्रह कि हम पर पाप प्रभुता नहीं करेगा। इसलिए उसकी भलाई क्या है, 8:28 दोबारा पढ़िए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर काम भलाई उत्पन्न करता। पढ़िए बेटा दोबारा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उनकी सब बातें, परमेश्वर की सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई क्या है परमेश्वर की? आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आपके लिए भलाई क्या है कि आप पाप पर प्रभुता, आप पाप को कंट्रोल करने वाले बने। यह है परमेश्वर की भलाई। आपको नौकरी चाहिए या ये कंट्रोल करने की शक्ति चाहिए? हेलो, क्या चाहिए आपको? 10 लाख रुपए चाहिए या पाप का कोई भी विचार आपके अंदर आए उसको कंट्रोल करने की शक्ति चाहिए? आमीन। बाइबल कहती है आपको अधिकार दिया है। आज शपथ पढ़ा आपने, दूसरा कुरिन्थियों 10:5, वो अधिकार है आपके पास। पढ़िए बेटा दूसरा कुरिन्थियों 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। आमीन। खंडन करते हैं। अगर कोई भी गलत विचार आपके अंदर आए उसका खंडन करिए और यीशु मसीह का गुलाम बना दीजिए। ये आपका अधिकार है, इसका यूज करिए। विचार तो आएंगे, शैतान आपको छोड़ेगा नहीं, आपके रिश्तों के द्वारा, आपकी संगति के द्वारा। इसलिए बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15:33 कि गलत संगति अच्छे इंसान को भ्रष्ट कर देती है। गंदा नहीं करती है, भ्रष्ट कर देती है। हम समझते हैं कि गलत यार, अन्य जाति के लोगों से मिलना क्या बुरा है यार, वो दोस्त है मेरा यार, वो वक्त मेरे काम आता है यार, जब मुझे ज़रूरत होती है तो वही मुझे पैसा देता है, मेरे साथ चलता है, मेरी बीमारी में मेरा हाल पूछता है, अच्छी बात है, हालेलुया। लेकिन संगति मत करिए। यीशु मसीह ने फारसियों से संगति नहीं की, चेलों से संगति की। उसके जीवन में कई फारसी आए, संगति में था वो नहीं। संगति किसके साथ? जो चेले। वो शमौन के रोने के पास गया, खाने के लिए भी गया, लेकिन संगति नहीं की उसने। आपको संगति किसके साथ करनी है? हेलो, बहुत जरूरी है। आप किसके संग उठते बैठते हैं? कौन से विचार, कौन सी बातें आप सुनते हैं? आपका इंटेक क्या है? ये आपका मन। हेलो, 17:9 क्या कहता कि मन एक सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसलिए नीति वचन 4:23 क्या कहता है? नीति वचन 4:23, सब में अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत्र वही है। सबसे अधिक अगर आपका कोई काम है जिंदगी में, पैसा कमाना नहीं है, पैसे के लिए भागना नहीं है, धंधे के पीछे भागना नहीं है कि मेरा धंधा अच्छा हो जाए। सबसे अधिक अगर आपको कोई काम करना है तो अपने मन की चौकसी करना है, मेरे मन में कोई गलत चीज ना आए। आजकल क्या हो रहा है, अपने मन को आपने कचरे का डिब्बा बना लिया है। कुछ भी आ जाए, कुछ भी गलत सीधी चीजें, कोई सुनने लायक हो या देखने लायक ना हो, आने दो। और शैतान आपको क्या बोलता है? सुनो यार, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, ये बहन बुरा मान जाएगी, ये मेरा कुलीग है बुरा मान जाएगा। आप अपने मन को भ्रष्ट कर रहे हैं। उसकी आज्ञा है कि सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। क्यों कर? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं पर है, जीवन की धारा वहीं से निकलती है। हेलो,
अविश्वास करते हैं यीशु है, अविश्वास करते हैं यीशु है, प्रेज द लॉर्ड, यीशु की हर बात पर विश्वास करते हैं, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। योहन्ना 7:38 कहता है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे जीवन से, तेरे हृदय से जीवन की नदियां बह नहीं। आमीन। आपके हृदय से जीवन की नदियां बह रही हैं? चेक करिए, आप विश्वास करते हैं ना? कितने विश्वासी हैं जिनके हृदय से जीवन की नदियां बह रही हैं? मैं देखना चाहता हूं। योहन्ना 14:12 पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ, जो मुझ पर विश्वास कर, कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु से बड़े काम कर रहे हैं? ये वचन आपके लिए है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं काम कर रहे हैं? वो कह रहा है। क्या यीशु झूठ बोलता है? क्या यीशु झूठ बोलता है? नहीं बोलता। देखिए, यीशु मसीह जब लोगों को ठीक करता था तब भी वो सबके सामने करता था, आशीष देता था तो भी सबके सामने देता था, आमीन, उपदेश देता था तो भी सबके सामने देता था, कुछ छुपाता नहीं था, कुछ छुपाता था, आमीन, छुपाता नहीं था। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सबको बोला, धन्य है जो मन के दीन नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी वही कहलाएंगे। सबके सामने बोला, हालेलुया। पतरस को बोला कि पतरस तू धन्य है, क्योंकि जो तूने कहा है ये लहू और मांस की वजह से नहीं है, ये मेरे पिता की वजह से है, जो तेरे मन में बात आई और तूने मुझे अभिषेक कहा। सबके सामने कहा, ए धन्य है योना के पुत्र, धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन 16:21 का कहता है, 16:21 का कहता है, मती 16:21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। 22 में क्या है? और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, एक मिनट, अब यहाँ पर पतरस क्या कर रहा है? देखिए बाइबल क्या कहती है कि उसके सोचने के विचार, उसकी गति अलग है। हालेलुया। यशाया 55:8, उसकी सोचने के विचार अलग है, हमारे अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि तुम शरीर में सोचते हो। पतरस चेला था, अरे यार, अच्छा गुरु यार, तुम क्या बात कर रहे हो सबके सामने? वो क्या कह रहा है? कोने में ले जाके झिड़कने लगा। ये लोग गुरु नहीं मानते थे प्रभु, उसको रूपांतरण के बाद हुआ ये कि उसके प्रभु मानने लगे, गुरु है। नहीं, तेरे संग ऐसा ना हो। और 23वें वचन क्या कहता है? यीशु मसीह सबके सामने बोलता है, ऐ शैतान, बोलती है। 23वां पढ़िए, 16:23। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आमीन। सबके सामने। आज आप अपने कलीसिया में बोल के देखिए किसी को शैतान, वो कलीसिया नहीं आएगा। पास्टर ने सबके सामने मुझे बोला, सबके सामने मेरा नाम लेके मुझे डांटा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सच्चाई पसंद नहीं है। पतरस क्यों उठाया गया? कि उसके बाद वो दीन बना, उसने एक्सेप्ट किया, यस आई एम रॉन्ग,
मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। जब यीशु मसीह ने कहा शैतान हट मुझसे दूर हो, और फिर चेलों से कहा कि तुम लोग भी सुन लो, अपना क्रूज उठाओगे तो मेरे पीछे आ सकते हो। आमेन। जिस दिन आप उस दीनता को, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, पुराने नियम में बहुत से भविष्यवक्ता ऐसे हुए हैं, भविष्यवक्ताओं का काम क्या था? राजाओं की गलती निकालना। ए राजा तूने ये किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा करना चाहिए, प्रभु ये कहता है। और कई राजा जो हैं वो भविष्यवक्ताओं को मानते नहीं थे, बंदी बना देते थे, उनको पसंद नहीं आता था ये तुम क्या बोल रहे हो। यिर्मयाह के समय पसंद नहीं आया यिर्मयाह ने क्या बोला, लेकिन दाऊद ने जब पाप किया और नातान नबी आया, परमेश्वर की दृष्टि में तू गलत है दाऊद, तूने पाप किया है, दाऊद ने एक्सेप्ट किया, यस मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। दाऊद ने एक्सेप्ट किया और दाऊद ने कहा कि मैं सिर्फ नातान नबी तेरे सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि मैंने पाप किया है, मैं दुनिया के सामने एक्सेप्ट करूंगा। और उसने भजन संहिता में 51 वचन लिखा, 51 वचन लिखा कि यस मैं पापी हूं, मैंने गलत काम किया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा पुत्र दाऊद का पुत्र कहलाएगा। आमेन। तू मेरे दिल का, दिल को जानने वाला मेरा बच्चा है जो मेरे दिल को जानता है। पाप तो होना ही है। मसीह, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने आप को समझते कि हमसे पाप नहीं होगा, हो रहा है पाप, एक्सेप्ट करो, गलती हो गई एक्सेप्ट करो, आई एम सॉरी। मन फिराने का मतलब क्या? हालेलुया। आज आप किसी को किसी की गलती बताएंगे, वो कहेंगे ओहो अच्छा पास्टर, ओ आप ऐसा देख रहे हैं, हाँ तब मैंने गलती की है, आई एम सॉरी। अच्छा 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 ऐसा देख रहे हैं आप, ओके ओके, नहीं 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 नहीं, ओके मैंने पाप किया। आप पाप को स्वीकार नहीं करते, उसकी आशीषें कैसे मिलेंगी, उसकी आशीषें आपके जीवन में कैसे आएंगी? शैतान ने क्या कहा था? देखिए शैतान कभी भी परमेश्वर से झूठ नहीं बोलता, शैतान आपसे झूठ बोलेगा लेकिन परमेश्वर से झूठ नहीं बोलेगा। उसने अय्यूब के समय क्या कहा कि मैं जानता हूं कि तूने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधा है। आपके पास, आपको पता है आपके पास तीन बाड़े हैं, आप तीन बाड़ों में बंधे हुए हैं, आपके जीवन का बाड़ा, आपके बच्चों का बाड़ा और व्यक्तिगत रूप में आपका बाड़ा। तीन बाड़ों से हर मसीह बना हुआ है। अय्यूब भी था, इसलिए उसने कहा कि तूने इसको बाड़ा में बांधा हुआ, मैं कैसे उसको हाथ लगा सकता हूं, तू बाड़ा खोल तब देख। इसलिए जब हम स्वीकार नहीं करते, जब हम यीशु के स्वभाव को अपने अंदर से निकाल देते हैं, आप जानिए वो बाड़ा आप कमजोर कर रहे हैं। आप जितने प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, जितना आप यीशु के स्वभाव में अपने जीवन को गुजारेंगे, यीशु का, परमेश्वर का बाड़ा और मजबूत होता जाएगा आपके जीवन में। शैतान आपके जीवन में कोई काम नहीं कर पाएगा। आमेन। आप अपना मसीह जीवन जीते कैसे हैं? आप चर्च आते कैसे हैं? आप चर्च में बैठते कैसे हैं? सबोपदेशक 5:1, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मुर्गों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। मूर्खों की तरह बलिदान मत चढ़ाइए, कोई लेट जाएंगे, लेट के दंडवत करेंगे, हैं? घुटने पर आना अच्छी बात है, मन से आना बहुत जरूरी है। आप अपने मन से परमेश्वर को प्यार करिए। भजन संहिता 91:14 क्या कहता है? उसने जो अपने मन से मुझे प्रेम किया है,
वो आपके मन को देखता है, आपके शरीर को नहीं देखता है कि आप शरीर से उससे कैसे प्रेम करते हैं। नहीं, वो आपके मन को देखता है। उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। भजन संहिता 91:14। आमीन। हेलो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए संसार से, देखिए प्रॉब्लम कहां है, परमेश्वर आपको संसार से अपने राज्य में लेकर आया। ध्यान से समझिए, हेलो, परमेश्वर आपको पवित्र करके, पापों शापों से मुक्त कर आपको अपने राज्य में लेकर आया। और आप क्या कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं आओ संसार में चलकर मेरी इच्छा पूरी करो। प्रॉब्लम ये, परमेश्वर आपको संसार से अपने राज्य में ला रहा है और आप परमेश्वर को अपने संसार में लेकर जा रहे हैं कि नहीं नहीं, आप मुझे नौकरी में आशीष दो, आप मेरे धंधे में आशीष दो। हेलो, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे सोचने के विचार और मेरे विचार अलग हैं। मत्ती 6:31 कि तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या रहेगा, इसकी चिंता मत कर, मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। मैं जीता जागता उदाहरण हूं ब्रदर, आप मेरा कलीसिया जानता है, मैं बॉलीवुड से हूं सर, 12 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं मैं, 12 फिल्में एज ए लीड की हैं मैंने, एज ए हीरो। आज भी यूट्यूब वगैरह में मेरी फिल्में हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कई सीरियल्स डायरेक्ट की हैं, 2006 और 7-8 के बीच में जॉनी लेवर और प्रेम चोपड़ा को लेकर कुछ गॉस्पेल फिल्में बनी थी, डॉक्टर बिली ग्राम ने बनाई थी, डॉक्टर जॉनी लेवर और प्रेम चोपड़ा, हो सकता है आपने देखी हो, वो मैंने डायरेक्ट की थी। हालेलुया। मेरी वाइफ जिसे आप देख रहे हैं, उसको उसने 500 फिल्में की हैं एज ए कोरियोग्राफर, 500 फिल्में, जुम्मा चुम्मा दे दे उसी ने कंपोज किया था, मेरी वाइफ ने। आज भी अगर कहीं रास्ते में अमिताभ बच्चन मिल जाएगा वो गाड़ी रोकेगा और उसे मिलेगा। लेकिन 2004 में जब परमेश्वर ने हमको चुना, हमने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के चरणों में आ गए। क्योंकि मैंने ब्रदर यही जाना, ये काम सबसे बड़ा है, ये काम सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। और यही मैंने अपने बेटे को शिक्षा दी। 50,000 महीना कमा रहा था वो, लेकिन सोचता था पापा क्या करूं, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा तूने 4 साल का तूने डिग्री का कोर्स लिया भाई, BTH का, सेवा करो। लेकिन मैंने कहा सेवा करो, प्रभु में पैसा नहीं है, हालेलुया, लेकिन प्रभु है। 50,000 तो तुझे में नहीं मिलेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन प्रभु के लिए समर्पित हो। इसलिए आज मेरा बेटा मेरे संग सेवा करता है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, 2012 से नाला सोपारा में हूं मैं, 2006 में मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, और तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ प्रभु की सेवा करता हूं। और बदर मैं आपको बताऊं, मैं राजाओं की तरह रहता हूं, कोई कमी घटी नहीं है मुझे, कोई कमी घटी नहीं है, क्योंकि मैंने स्वार्थ का जीवन नहीं जिया। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, आज तक मैंने इनसे कभी अपने स्वार्थ के लिए एक पैसा नहीं मांगा, पूछ लीजिए, प्रभु है देने वाला, मेरा प्रभु है। वो कहता है, वचन कहता है, तू उसकी चिंता मत कर, मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। आमीन।
जो वचन परमेश्वर ने दिए हैं क्या आप उसके अनुसार चलते हैं? नहीं चलते, नहीं चलते हैं आप। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि ना तो आपको अपने दर्शन के बारे में पता है और ना ही परमेश्वर के दर्शन के बारे में पता है। मत्ती 11 का 28-29 से करिए, मैथ्यू 11:28-29 बोलिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। 29वां, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। क्या कह रहा है वो? ये बाइबल में पहली बार यीशु मसीह ने कहा है मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन और नम्र हूं, मेरा जुआ उठाओ। आपने देखा किसान जब दो बैलों पे जुआ रखता है, देखता है जुआ रखता है, प्रेज द लॉर्ड, वो क्या कहता है? मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। आपको क्या करना है? उसका जुआ अपने ऊपर लेना है। हालेलुया, ध्यान से समझिए, यीशु का जुआ अपने ऊपर लेना है। आप सफल कब होंगे? जब आप उसकी गति से चलेंगे और उसकी दिशा में चलेंगे। आप जुआ उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी दिशा लेते हैं, विश्राम नहीं पाते हैं। आप विश्राम से चूक जाते हैं, आप आशीषों से चूक जाते हैं। उसका जुआ लेकर आपको उसकी गति और उसकी दिशा में चलना है, विश्राम आपका है। मैं विश्वास, मैं सच बता रहा हूं आपको, उसके वचन में सामर्थ है। या करके देखिए, उसके साथ चलिए उसकी गति के अनुसार। आपको लगता है धीरज, धीरजवंत होना, उसने क्या लिखा 40:2, 40:1 देखिए, भजन संहिता 40:1, साम 40:40। मैं धीरज से युवा की बाट जोता रहा, हाँ, और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज के साथ उसकी बाट धोता रहा। कब मिलेगा परमेश्वर? धीरज से। दाऊद ने राजा का अभिषेक उसे हो गया था, दाऊद को राजा का अभिषेक हो गया था, उसके बाद भी वो गुफाओं में छिपता भरा था। वो कहता है धीरज से मैंने यहोवा की बाट जोही और उसने झुककर, यानी कि स्वर्ग के सिंहासन से उठकर झुककर उसने गले लगाकर आपकी बात सुनी। अगर आप धीरज से परमेश्वर का चरणों में आएंगे, अगर आप धीरज से उसकी बाट दोहेंगे, वो स्वर्ग से आएगा और आपको उठाएगा। हालेलुया। आपका धीरज कम नहीं होना चाहिए। मेरा प्रभु है, मुझे बचाएगा। समस्या आएंगी, दुख आएगा, सताव आएगा, लेकिन यीशु हमेशा है और रहेगा। वो कौन दिलाएगा आपका सफलता? कौन दिलाएगा? आपका धीरज, आपका पेशेंस। पेशेंस ही आपके अंदर विश्वास लाता है। हालेलुया। याकूब की पत्री 1:2, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। आमीन। उत्पन्न होने दो धीरज। आमीन। दुनिया को आगे बढ़ने दो, मुझे नहीं जाना आगे, मेरे प्रभु के साथ मैं उसके समय में जाऊंगा। पहला पत्रस में लिखा हुआ है 5 कि वो उचित समय पर आपको उठाएगा। उचित समय पर उठाएगा, जब आप आशा खो देंगे वो उठाएगा। मेरे भाई, वो आपके साथ है, वो आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। आमीन। अपने विश्वास को मत खोइए मेरे भाई, मेरी बहन, उसके साथ रहिए, अटक रहिए, वो आएगा और आपको उठाएगा। हो सकता है आपको कई प्रॉब्लम्स आ रही हो सकता है आप दुख में हो सकता है आपकी किसी ने जमीन हड़प ली हो सकता है आपके अपने आपके दुश्मन बन गए हो। कोई बात नहीं, मेरा यीशु मुझे उठाएगा।
मेरा यीशु आएगा और बताएगा कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं चुना हुआ हूं। यस, वो उठाएगा। इसलिए धीरज के साथ उसकी बाट जोइए, उसका धन्यवाद दीजिए। जैसे अमितेश ने बताया, धन्यवाद का बलिदान। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद दीजिए। सुबह उठते उसका धन्यवाद दीजिए कि रात को मैं अच्छी नींद आई, धन्यवाद। कभी आपने पापा से कहा है कि पापा मैं आपसे बात करना चाहता हूं? आमीन। सबसे पहले उसे पापा बुलाइए। जो आप घर में अपने पिता को बुलाते ना, वो उसको बुलाइए। उससे संबंध नजदीकी लाइए। सुबह उससे कहिए उठकर, पिता, पापा, मैं आपसे मेरी अपनी बात करना चाहता हूं। प्रेस पापा, मेरी बात सुनो। मैं सच कह रहा हूं, वो सुनेगा। वो चाहता है कि उसका बच्चा उसे पुकारे। हालेलुया, उसके बच्चे बन जाइए। उसको विश्वास दिलाइए कि मेरे लिए उसके सिवा कोई नहीं है। अय्यूब की प्रॉब्लम क्या थी पता है? अय्यूब का दोष क्या था? कि वो अपनी धार्मिकता पर घमंड करता था। वो अपनी धार्मिकता पर घमंड करता था, मैं धर्मी हूं। हालेलुया। अय्यूब 40 का 4 में उसने एक्सेप्ट किया कि मैं कुछ नहीं हूं। अय्यूब 40 का 4 उसने एक्सेप्ट किया। परमेश्वर कब आपको उठाता है ऊपर? जब आप उसके सामने कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। 40 का 4 क्या होता है? देख, मैं तो तुच्छ हूं। आमीन। मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं तो तुच्छ हूं। जब आप यीशु के सामने, जब आप परमेश्वर के सामने सुबह उठकर बोलेंगे कि मैं तुच्छ हूं, मैं अपना धंधा कैसे चलाऊं, मैं तुच्छ हूं, मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊं, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ बुद्धि नहीं है, पग पग पर कैसे चलूं मुझे नहीं आता है, चलना भी नहीं आता, तू सिखा। उस पिता पर पूरी तरीके से आश्रित हो जाइए। उसको बताइए कि मुझे तेरे सेवा में चल भी नहीं सकता हूं, अगर तू हट गया तो मुझे रेगना पड़ेगा, मैं तुच्छ हूं, आई एम नथिंग। आमीन। जिस दिन आप अपने आप को तुच्छ जानेंगे, आपकी आशीषें आपके साथ चलेंगी, आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये नियम है, ये तरीका है। हालेलुया, आमीन। आप खुश हैं? वचन बहुत हैं लेकिन समय काफी हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, आज हम यूं ही बंद करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। आपका आशीष आपके साथ है। डबल आशीष चाहिए आपको? कितनों को डबल आशीष चाहिए? आमीन। अपने पड़ोसी को परमेश्वर के पास लेकर आइए। आज से अपनी मुहिम बांध लीजिए। अगर आपका पति आपका पति प्रभु में नहीं है, कोशिश करिए अपने स्वभाव से उसको लाने के लिए। आपकी पत्नी प्रभु में नहीं है, अपने स्वभाव से उसको लेकर आइए। डांटिए मत, मेरी पत्नी, आए पत्नी, चल चर चल, नहीं, स्वभाव से अपने अंदर पैदा करिए वो बोझ। जाइए, निकलिए, आपकी गली में होगा कोई ऐसा भाई, एक ऐसी बहन होगा जिसको परमेश्वर ने चुना है और वो इंतजार कर रहा है कि कब मनीष आएगा मेरे पास। वो इंतजार कर रहा है। जाइए मेरे भाई, मेरी बहन, धूप को मत देखिए, बारिश को मत देखिए, आज धूप है, कल बारिश होगी और परसों इशू आ जाएगा। क्या करेंगे आप जब ऊपर जाएंगे? क्या दिखाएंगे आप? क्या किया मैंने? पूछेगा आपसे वो ना,
कि भैया मैंने तुम्हें 10 साल पहले आज़ाद किया था, पापों शापों से मुक्त किया था, क्या बोलेंगे आप? हाँ, उसके बाद मेरी अच्छी नौकरी लग गई प्रभु, अच्छा मेरा धंधा अच्छा चल गया, मैंने अपने बेटे की शादी अच्छी कर ली। आपने जैसे आप चर्च में आती गई, सब कुछ अपना ही अपना होता रहा। पूछेगा मेरे लिए क्या किया तुमने, पूछेगा क्या किया मेरे लिए? आपकी फोटो, आपकी पिक्चर दिखाएगा वो। सुसमाचार सुनाने के लिए आपके नहीं कोई है नहीं ना पास्टर, कोई साथ में हो तो हम जाएं, अकेले कैसे जाएं? स्वर्ग में आपको अकेले ही जाना है, रैप्चर में आपको अकेले ही जाना है। आमीन करिए मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप चाहते हैं ना आपको आशीष मिले, प्रभु को महिमा दीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए परमेश्वर। मैं सच कह रहा हूं, मेरा काम यही है, मैं इतने सालों से सिर्फ यही काम कर रहा हूं, प्रभु का सुसमाचार सुनाता हूं, प्रभु के लिए बीज बोता हूं, बस और कुछ काम नहीं कर रहा हूं। और मेरी सैलरी मुझे मिल जाती है, प्रभु दे देता है, मैं आज तक भूखा नहीं मरा, बहुत आशीषित हूं। हालेलुया, हम सब खुश हैं, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। वाचा बांधेंगे, वाचा बांधेंगे, बोलिए मेरे साथ, पिता परमेश्वर आज मैं वाचा बांधता हूं कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मैं आज से आपके लिए कम से कम एक आत्मा को रोज सुसमाचार सुनाऊंगा, आप अपनी गवाही दूंगा ताकि वो आपका आशीष पाए। ये मेरी वाचा है, ये मेरी वादा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो, तालियां बजाइए अपने लिए। आज आपने परमेश्वर से वादा किया है, मुझसे नहीं कहा है, कितने इसकी कीमत को समझते हैं? आमीन। विश्वास करिए और लेकर आइए कलीसिया में, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। यूट्यूब के सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, चंगा ही मांगता हूँ, आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष बना रहे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनने को, गॉड ब्लेस यू।